नमस्कार, मैं हूँ इसके माँ और आप देख रहे हैं हिंदी सेवन न्यूज। खबर प्रयागराज जनपद के सिंहवीरपुर धाम से, जहाँ रामकथा शोध संस्थान के माध्यम से बाल व्यास अतुल जी महाराज ने कथा का कराया रसमान श्रवण करने पहुंचे एसपी गंगापार। जी हाँ, आपको बता दें कि माता शांता सिंह ऋषि की तपोभूमि, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कर्मभूमि एवं निषाद राज की नगरी सिंहवीरपुर धाम के पर्यटक सुविधा केंद्र में आयोजित रामायण मेला आयोजन समिति द्वारा संचालित श्री राम कथा शोध संस्थान के माध्यम से कथावाचक बाल व्यास अतुल जी महाराज ने कहा कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाय रही पाई बिन पाई। बताया कि भगवान श्री राम की भक्ति में जो भी प्राणी बाधक बने उसे त्यागने में व्यक्ति को संकोच नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति भाव से भगवान का भजन करते हैं उन्हें कलयुग में सहज रूप में ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। आगे कहा कि द्वापर त्रेता सतयुग में जो बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने का फल प्राप्त होता था वह आज कलयुग में श्री राम नाम के भजन से प्राप्त हो जाता है। अतुल महाराज इसके साथ ही सिंहवीरपुर धाम और रामायण की महिमा का बखान भी किया। कथा श्रवण को पहुंचे एसपी गंगापार अभिषेक अग्रवाल ने कथा सुनने के पश्चात रामायण की आरती उतारी। कथावाचक अतुल जी महाराज ने उन्हें अंगवस्त्रम भेंट कर आशीर्वाद दिया। वहीं महामंत्री उमेश चंद द्विवेदी ने सिंहवीरपुर धाम के प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए राष्ट्रीय रामायण मेला के महामंत्री उमेश चंद द्विवेदी ने श्री राम कथा में बड़ी संख्या में पधारे लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आगामी होने वाली कथा में आने के लिए आम जनमानस को आह्वान किया। इस मौके पर तमाम गणमान्य लोग एवं श्रोतागण उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट हिंद सेवन न्यूज। आज की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।